माई सेल्फ मुरारी। मैंने मैम से एडवांस अकाउंट्सी कोचिंग ली थी 2010 के बैच में, उसमें मैंने 96 मार्क्स अचीव करे थे। तो मैम ने उसको बताया कि कैसे 96 आते कैसे हैं, उसके लिए मैम ने मेरे को एक वे बताया था कि कैसे स्टडी करनी है। रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, रेगुलर स्टडी। तो मैम ने एक टाइम टेबल शेड्यूल दिया था कि कैसे स्टडी करनी है, तो मैम ने बताया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो करा, जिसका रिजल्ट मेरे सामने भी आया, आप सबके सामने है कि 96 मार्क्स हुए। और जैसे मैम की अब क्लासेस की बात बताऊँ तो क्लासेस में मैम बहुत ही फोकस थी कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फोकस करती थी। मैम का क्वेश्चन से ज़्यादा उतना और फोकस नहीं था। मैम पहले कॉन्सेप्ट बोलती थी, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के पीछे हर कोई का लॉजिक होता था। अगर आपको लॉजिक मिलता है तो आपका कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चन को बड़े अच्छी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लॉजिक है, और लॉजिक ऐसा नहीं है कि लॉजिक ऐसा दे दिया कि आपके ऊपर से निकल जाएगा। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, प्रैक्टिकल लॉजिक मिलेगा, यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको वो बताएंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव होता है, कैसे इसको क्या कॉन्सेप्ट का लॉजिक था। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से वो बता दिए मैम। और मैम ने जब भी पर्सनल अटेंशन देती थी क्लास में, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी हैं 400 या फिर जितने भी हैं बच्चे, जितने लास्ट के बच्चों पे उतना अटेंशन नहीं होता था। बोलते हैं कि भाई लास्ट टीचर अटेंशन नहीं देता पिछले लास्ट में बच्चों का, बट ऐसा नहीं है मैम, हर किसी को पर्सनल अटेंशन है। अगर आपसे मैम में आप ये सोचें कि मैम पे मेरे को देख रही है बट मेरे को नहीं जानती, बट आप उनसे अब मिलेंगे तो आप वो बोलो नहीं, आप हाँ उस बैच में आप वहाँ बैठते हैं, वो पर्सनली जानती है कि हाँ ये बच्चा वहाँ बैठता है और कैसे इसके एटीट्यूड है, क्या ये कैसे क्लास के अंदर है। तो आप वो पर्सनली सजेस्ट भी करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या समझ में कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या आपका अपने टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समझे, तो आपके अदर स्टडी और भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर कैसे आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, तो उसके लिए प्रॉपर गाइड देती थी मैम, गाइडेंस मैम का प्रॉपर गाइडेंस करती थी कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट्स को, क्या इसके अंदर कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके लिए। तो ऐसे जैसे कि हम मैम ने ये इतने सारे तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर बहुत कुछ बताया गया, इतना अटेंटिवली बहुत ही फोकसली बहुत हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करती थी। एट द एंड मैम एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी आपको एक काउंसलिंग दे देती हैं मैम, जैसे कि बताया कि कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, आपको एग्ज़ाम्स में कैसे बैठना है, कैसे डील करना है एग्ज़ाम्स को। एग्ज़ाम्स में मेनली होता है कि हम ना जब से जाते हैं तो पहले कन्फ्यूज होता है लास्ट में, हर किसी को पता नहीं है कि पेपर कैसा आना है, तो हम सब तो उसके अंदर क्या होता है, हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कैसा एग्ज़ाम्स होगा, हार्ड होगा। तो मैम हमने बहुत ही एक बताया कि जैसे एग्ज़ाम में जाना है, उसको बैठना है उसके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो मैम बहुत ही तरह से बताया, जैसे एग्ज़ाम में आप जब जाते हैं तो मैम को बोला कि हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन को हैंडल, ये नहीं है कि आपने एक वे होता है हर किसी पेपर को हैंडल करने का, कैसे उसको करना है। तो मैम वो भी बताती थी कैसे किस क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तो प्रायोरिटी बहुत ही अच्छी होती थी कि अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चले जाते हैं तो आप ऐसा है कि आप ईजी हो जाएगा सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की है, हर सब्जेक्ट में ईजी आप अच्छे अपनी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप अपने मैम से क्लासेस लेके देखिए, और उसमें क्योंकि मेरा जो पर्सनल वो फीलिंग है कि मैम से मैंने क्लासेस ली तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील हूँ, और मेरा बेस बड़ा स्ट्रांग है, मैं सी फाइनल का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरे पर्सनल सजेशन है कि आप क्लास लेके देखिए तो आप भी बड़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा, आपका फाउंडेशन इतना वो होगा स्ट्रांग होगा कि आपका सीए फाइनल इजीली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।